तो आज हम कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो कुछ सवाल रह गए थे पॉलीनोमियल चैप्टर के, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, फर्स्ट हो चुका था तो हमें सेकंड को ले लेते हैं। सेकंड क्या है, क्वेश्चन क्या है? 4s² - 4x + 1। यही है। तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालते हैं। 4s² + 4s = 0 पे मैंने जीरो मान लिया, तो वही फैक्टर, इसका कोफिशियंट कितना है? 4, और ये 1, दोनों का मल्टीप्लाई 4। ऐसे फैक्टर करने हैं मुझे जो ऐड करने पे 4 आए। तो 2 2 4, तो 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। 2 2 के पेयर बन गए, 2s कॉमन आ गया, तो s - 1 और इसमें से 1 कॉमन आ गया, वो भी माइनस का। तो अब की बार हमने, फिर इस बार हमने ये ले लेंगे कॉमन, तो 2s - 1 कॉमन निकाला, तो उसके बाद क्या बचा? 2s - 1। तो इसको मैंने इक्वल टू रख लिया, इस वाले पार्ट को भी मैंने इक्वल टू 0 के रख लिया। तो एस की वैल्यू क्या आ गई दोनों केसों में? 1/2। तो लेट कर लेते हैं हम इसको, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अब मेरे को इनका क्या करना है, रिलेशनशिप दिखाना है। रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो फर्स्ट क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, यह होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा कितना हमारा? 1/2, बीटा कितना? 1/2। और हमने एक चीज भूल गए कि हमें इक्वेशन को कंपेयर करना होता है, कौन सी इक्वेशन से? जनरल इक्वेशन। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू 1। तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू मिल गई -4 और ए की वैल्यू भी 4, हाफ एंड हाफ 1 हो जाता है, एंड 4 से 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल आ गया। अगली बार प्रोडक्ट ऑफ 0, ये क्या होता है? सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो सी की वैल्यू कितनी है? 1 और ए की 4, अल्फा ही 1/2 एंड बीटा भी, तो दोनों के दोनों केसेस में 1/4। ये क्या हो गया? वेरी फाइव। ठीक है, ऐसे ही सारे करने हैं।
मैं कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर कराता हूँ, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन को हम देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो ले लिया मैंने, तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 15, और टी बराबर क्या आएगा प्लस माइनस रूट में 15। तो एक बार मैंने अल्फा प्लस का तो एक बार मैंने माइनस का रूट 15 लेट कर लिया, ये इसके जीरो हो गए। अब मुझे इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो ए टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो स्क्वायर ए की वैल्यू 1, ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो हमेशा बी क्या हो जाएगा हमारा 0, जो पार्ट हिडन होता है उसको हम 0 कह देते हैं। सी की वैल्यू माइनस 15। तो अब मुझे वेरीफाई करना है, रिलेशन निकालना, तो क्या करेंगे पहले निकाल लेते हैं इस बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा। तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस 15 और ए की 1, वही आ जाएगा 15 इंटू में माइनस का, तो ये माइनस का 15, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 15 बाहर हो जाएगा माइनस का, तो दोनों माइनस के 15 है। अब हमारा बच्चा कौन सा सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी जीरो है ए, तो ये कितना आ जाएगा जीरो, और ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल, तो ये भी जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो हम बोल सकते हैं वेरी फाइन। ठीक है, तो ऐसे ही करने हैं आपको, जो दो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं एक्सरसाइज के, अब आपको और इसका सेकंड क्वेश्चन थे फर्स्ट, वो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिव। तो आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा आपको, और ये अल्फा इंटू बीटा गिवन होगा। तो मैं फर्स्ट सवाल लिया मैंने, जैसे कि 1, 4, -1, तो 1/4 और ये -1। एक तो सिंपल है इक्वेशन बराबर क्या होता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो हम वैल्यू पुट कर देते थे 1/4 एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल टू जीरो।
-1 = 4, मैंने एलसीएम ले लिया 4 का, तो 4 4, तो इक्वेशन क्या फाइनली आएगी, एक्स माइनस 4 = 0, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी ये आ गई, एक तरीका तो है, बाकी आप इंडिविजुअली अल्फा और बीटा निकाल के उनका प्रोडक्ट कर दें। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे, एक और क्वेश्चन करा देते हैं इसी की तरह, रूट्स वाला, इसको यहीं लिखा रहने देते हैं, जैसे कि इसका थर्ड पार्ट, √5, 0, √5, तो आगे वाला तो उसने गिवन बोला है, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 माइनस, ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, इक्वेशन x² - α + β x + α (β), तो x² - 0 × x + √5 कितना आ जाएगा, 0, सॉरी 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी, सिंपल फॉर्म में है ये सब, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब नए टॉपिक पे चलते हैं, उसका नाम क्या है, डिवीजन मेथड से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल, एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल, आपने कभी बचपन में डिवाइड किया होगा, जैसे कि एक डिविडेंड होता था, रिमाइंडर होता था, तो यहाँ यहाँ क्या होता था, एक क्वोशेंट होता था और एक डिवाइजर होता था, तो डिवाइजर ये डिविडेंड ये डिवाइजर ये क्वेश्चन और यहाँ जो बचता था वो रिमाइंडर होता था, डिवाइजर एंड क्वेश्चन। तो अब इसको एलजेब्रा में यूज किया गया है, जैसे कि डिविडेंड को मैंने मान लिया पी एक्स, क्वेश्चन को मान लिया क्यू एक्स और डिवाइजर को मैंने मान लिया जी एक्स और रिमाइंडर को मान लिया मैंने आर एक्स, और इसमें कंडीशन क्या होती है, जो आर एक्स है वो हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, जी एक्स से, ठीक है, जी एक्स से छोटा होना चाहिए और जीरो भी हो सकता है, ये कंडीशन होती थी, ठीक है। तो इसका यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशनों में भी होगा, सीधा क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कि
और इनका छोड़ो, अब डिवाइड रूल से क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट सवाल हम उठाते हैं, जैसे कि एक्स उसने गिवन दे रखा है कि पी एक्स बराबर है एक्स की क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एंड जी एक्स हमें गिवन है एक्स की स्क्वायर माइनस 2। अब उसने पूछा हमसे कि इसका क्वेश्चन टेन रिमाइंडर निकालिए, तो क्वेश्चन मतलब क्यू एक्स आपको फाइंड करना है एंड आर एक्स रिमाइंडर। एक्स मतलब फंक्शन जो है वो एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ जीरो भी आ सकता है लेकिन ये तो एक्स के फॉर्म में आएगा। इसको रूल्स इसके देखो कैसे करना सॉल्व, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसे, और मैंने पी एक्स को अंदर रखा। बड़े ध्यान से समझना है इसको कि यहाँ क्या है क्यूब और यहाँ क्या है स्क्वायर। मुझे यहाँ क्यूब लाने के लिए, इसके नीचे क्यूब लाने के लिए मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स क्यूब, इसका मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ माइनस 2x, और यहाँ माइनस मतलब मुझे घटाना है तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों, ये प्लस का था वही माइनस का, और ये माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल, और इसमें ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर से 5x माइनस 3, यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, यहाँ स्क्वायर चाहिए और यहाँ भी स्क्वायर है तो 1 बार, यहाँ 1 लिखा जाएगा ओनली, तो 1 बार में पढ़ा जाएगा, तो ये इतना माइनस माइनस प्लस एंड 2, साइन चेंज, ये कैंसिल, और सॉरी गलती हो गया थोड़ा। एक्स की क्यू माइनस 2x, ये 2x के नीचे एक्स की वाले टर्म में आएगा, ये कैंसिल हो गया था, ये माइनस का 3x² रहेगा, ये प्लस और प्लस प्लस 7x माइनस 3, या माइनस से माइनस स्क्वायर स्क्वायर तो 1, तो माइनस का यहाँ 3 भी है लेकिन माइनस का 3x, माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस, और 3 2 6 प्लस माइनस कैंसिल, तो अब बचा क्या 7 माइनस माइनस प्लस, तो आपका क्या हो गया आर एक्स तो आ गया 7x माइनस 9, एंड क्यू एक्स आ गया आपका एक्स माइनस 3। कभी आपको पता करना हो कि हमने सही करा या गलत, आप इसका इसका मल्टीप्लाई करके देख ले, जैसे कि मैं वेरीफाई करता हूँ, अगर मैं वेरीफाई करूँ तो कैसे करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू करूँगा एक्स माइनस 3 से, 3 2 6 अभी रुक जाओ, हाँ ठीक, प्लस का कभी इसमें रिमाइंडर भी ऐड किया जाएगा, उससे आप घबराओ नहीं, ठीक है। और ये क्यू, और इसका इसके साथ कर लिया क्यू हो गया, अब इसका इससे करूँगा तो माइनस का 3x², और जब इसका इससे करूँगा तो माइनस का 2x, और प्लस का 6 प्लस 7x माइनस 9, इसमें से गया तो माइनस का 3 बचा, ये इसमें से जाएगा तो प्लस का 5x, और ये देखो हाइट था हमारे पास, तो देखो जो था वही आ गया, तो हमारा वेरीफाई हो गया कि हमने जो किया है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, बड़े आराम से करना है।
बड़े ध्यान से, ये गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, लास्ट का थर्ड। पी एक्स दे रखा है आपको एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, एंड ये दे रखा है माइनस एक्स का। अच्छा क्वेश्चन है, देखें आपको x की टर्म पहले लिखनी होती है, चाहे माइनस हो या प्लस हो। तो हमें वही निकालना है अपना क्यू एक्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, शेषफल, भागफल और शेषफल। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ x की पावर 4 प्लस 6, और बाहर डिवाइड किससे कर रहा हूँ, x की पावर 2 माइनस माइनस की x की पावर 2 एंड प्लस 2। तो देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है अंदर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों का। अब इसका मल्टीप्लाई पूरे में करूँगा तो माइनस माइनस प्लस का 4, और इसका इससे करूँगा तो माइनस का 2x² माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल। अब ऊपर देखो कोई एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं जिसमें ऐड हो सके, लाइक टर्म ढूंढने पड़ती है हमें ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ कोई लाइक टर्म इसकी है ही नहीं, तो हम इसको ऐसी का ऐसी लिख देंगे। प्लस का था ये माइनस 5x प्लस 6, अब ये 2 है, मुझे यहाँ 2 चाहिए, ये प्लस की प्लस का, बट यहाँ माइनस है तो ये माइनस का है। अब यहाँ स्क्वायर है, वहाँ भी स्क्वायर है, तो अब मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस का, और इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 4, 2 जा 4 माइनस का, माइनस प्लस दोनों कैंसिल, माइनस 5x और प्लस 10। अब देखो इसकी पावर कितनी, 2 और इसकी 1, तो ये इसका रिमाइंडर हो गया। तो हम बोल देंगे रिमाइंडर मतलब Rx माइनस 5x प्लस 10, और Qx माइनस एंड माइनस। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ एक सेकेंड, सेकंड सवाल भी देखते हैं थोड़ा। सेकंड सवाल क्या कहता है, सेकंड सवाल कहता है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। पूछा गया है क्या इसका ये फैक्टर हो सकता है या नहीं। फैक्टर का मीनिंग क्या, अब आपको ये समझना है थोड़ा सा। उसने पूछा फैक्टर, तो फैक्टर तभी हो सकता है, जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0, तभी तो ये इसका फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि जैसे 15 के फैक्टर करूंगा तो 3 इसमें मल्टीप्लाई में आता है, तो जब इसके 3 को मल्टीप्लाई में आता है 3 से 3 कट जाएगा तो रिमाइंडर नहीं आएगा। दिस इज अ क्वेश्चन, ये 5 बार में जा रहा है, 5 3 जा या 3 5 जा 15, तो ये 5 जो आएगा वो क्वेश्चन होगा, रिमाइंडर तो यहाँ 0 है। तो फैक्टर हम बोलेंगे, अगर वो उसका फैक्टर है हम बोलेंगे क्या, लेट कर लेते हैं हम कि पी एक्स हमें कुछ भी दे, कुछ भी, जैसे ये मुझे दे दी, और जी एक्स हमें डी एक्स समथिंग कुछ भी ई दे दिया, और हमसे पूछा गया है, कह रही है क्या जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो आपको अंडरस्टूड, इसलिए जो रिमाइंडर होगा हमेशा 0 आना चाहिए, ये मस्ट हो जाता है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो जी एक्स इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। हमें इस रूटीन पे चलना है, इसके जो भी सवाल आएंगे, अगर वो पूछता है कि जी एक्स इसका फैक्टर है या नहीं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में बोला हुआ है,
और हम एक क्वेश्चन उठाते हैं इसका, अच्छा सा थर्ड उठाते हैं लास्ट का। हमने सेकंड का थर्ड पार्ट उठा लेते हैं। लिखा है एक्स की क्यू लिखा है एक्स की क्यू माइनस माइनस 3x प्लस 1 एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये सब क्वेश्चन दे रखा है तो हमें लेट करना पड़ेगा। और हम ये बोलेंगे कि जी एस इज ए फैक्टर, ये भी हमें क्या करना पड़ रहा है लेट, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम इसका क्या करेंगे, डिवाइड रूट से चेक करेंगे, उसने खुद बोला है। तो जी एक्स हमारा क्या है, हमारा पी एक्स क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस 4 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वही रूट, यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 लाने के लिए 2 प्लस प्लस प्लस, तो एक्स की पावर 5 इसका मल्टीप्लाई से करूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x की क्यू, और इसका इससे करूँगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल, प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का बचा और ये दोनों भी कैंसिल होगा, 3x प्लस 1 प्लस का ये माइनस माइनस एक्स क्यू, लेकिन यहाँ मेरा 1 से काम चल जाएगा, तो माइनस का एक्स क्यू प्लस 3x और माइनस का 1, ठीक है, माइनस 1 था लास्ट में, ठीक है माइनस 1 है, तो प्लस माइनस प्लस ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, लेकिन ये 2 लास्ट में आ गया। तो हम बोलेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, तो हम बोल देंगे कि आर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हमें इस तरह से पता करना है सेकंड क्वेश्चंस में, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब जो होने जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस, फाइंड द टू जीरोस ऑफ, ठीक है उसने टू जीरोस दे दिए, एक तो है 5/3 कॉमा और दूसरा भी है -5/3। हमारा जो पी एक्स है वो हमको दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 6x की क्यू -2x² -10x -5, ठीक है पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जितनी पावर्स होती है उतने ही जीरो जीरोस होते हैं। अब इसकी 4 पावर तो 4 जीरो, तो मतलब 2 हमें गिवन है, 2 और निकालना,
तो कैसे करेंगे? जीरो से तो मैं कह सकता हूँ ये एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में 5/3, और ये होगा एक्स माइनस में अंडर रूट में 5/3। मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो एक्स ये माइनस का तो प्लस में हो जाएगा, और ये एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे मुझे एक फैक्टर का फैक्टर पता चल जाए। जैसे है तो दोनों फैक्टर, लेकिन दोनों को भाग करने में टाइम लगेगा। दोनों का मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो हमें कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। अरे जैसे कि 15 होता है, कोई मैं बड़ा सा नंबर लेता हूँ जैसे 30 हो गया। अब 30 के फैक्टर कितने हो रहे हैं? 2 से भी, 3 से भी, 5 से भी, बस 5 से भी। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि मुझे 2 फैक्टर पता है, तीसरा निकालना है। तो मैं एक तो तरीका है कि इंडिविजुअल डिवाइड कर लूँ तो कुछ नहीं पता चलेगा, मगर इंडिविजुअल करता हूँ तो 6 आ गया, और फिर इसी 6 को 3 से करता हूँ तो 2, तो अलग पता चल रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ जो भी आएगा, फिर उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर फैक्टर में मिलेंगे। इससे अच्छा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे कैसे? (3x)4 (6x)³ (2x²) 10x-5 डिवाइड इसे। लिख देना आप अगर लिखना चाहो कि एक्स की स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। px मतलब पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ 4 चाहिए, पहले तो 3, फिर उसके बाद 4 चाहिए, तो मतलब यह एक तो होता है। इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 3x⁴। अब इसका इससे करा, माइनस स्क्वायर है, स्क्वायर की लाइन में 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ आएगा 5x² माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो प्लस का ही माइनस का, तो 3x² हो जाएगा 6x³ प्लस प्लस माइनस 10x-5 प्लस 6 और x। तो यहाँ 6³ और इससे से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x- का ही आएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 3x² - 5 प्लस 3, तो यहाँ जाएगा 3x² - 5 प्लस प्लस, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो मैं इससे प्रूफ हो गया कि ये इसका फैक्टर है। अब ये जो बचा हुआ है क्वेश्चन, अब मुझे इसके फैक्टर करना है। 2 जीरोस तो उससे निकल गए, मैं इस तरह लिख ही सकता हूँ कि ये इनटू में ये बराबर 5/3 जीरो। तो इसके तो मैं निकाल चुका हूँ, इसके बस निकालने बाकी रह गए। इसके क्या होंगे कि 3 3 9, 9 कैसे फैक्टर करूँ कि ऐड करने पे 6 आ जाए? तो 3 3 खुद ही हो रहे हैं, 3x+3 3x+3। तो 3x कॉमन आ गया, तो x+1। इसी तरह यहाँ 3 कॉमन आएगा तो x+1। तो x+1 लिया बाहर और 3x+3, और यहाँ आएगा x, इसको अलग अलग कर देना जैसे कि हमें। आप इंडिविजुअल सबको अलग अलग रखोगे तो एक की वैल्यू आएगी -1, एक की वैल्यू आएगी -3/3, मतलब ये भी -1। ठीक,
और एक की वैल्यू आपने निकाली थी या मतलब दे रखी थी, और एक माइनस फाइव है थ्री, तो ये सब उसके रूट्स हो गए। ठीक है, ये टफ क्वेश्चनों में गिना जाता है एनसीईआरटी की बुक में, आप इसको आराम से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन बस, उसके बाद चैप्टर खत्म। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय इक्वेशन बाय पॉलिनोमियल्स जी एक्स द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर, इस बार एक पी एक्स आपको गिवन है, एक्स की क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसको डिवाइड किया जाता है इसी जी एक्स से। मुझे नहीं पता जी एक्स क्या है, तो उसका क्वेश्चन, उसने बोला क्वेश्चन क्या आ रहा है और रिमाइंडर, क्वेश्चन और रिमाइंडर, तो क्वेश्चन तो एक्स माइनस टू और रिमाइंडर आ रहा है माइनस टू एक्स प्लस फोर, तो फाइंड द जी एक्स उसने पूछा है, फाइंड द जी, सिंपल आपको पता होना चाहिए, जस्ट अभी लिखवाया है फॉर्मूला कि डिविडेंड डिवाइजर, डिवाइजर क्या होता है, जी एक्स होता है हमारा, इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इसमें पुट कर दो आप वैल्यू को, उसके बिहाफ पे कर लेना, जिसको कुछ नहीं आता वो इस फॉर्मूले का यूज़ करे, सिंपल जी एक्स हमें फाइंड करना है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये एक्स माइनस टू रहेगा और ये माइनस का टू एक्स प्लस फोर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, ये तो माइनस टू एक्स प्लस फोर, तो ये वाला हिस्सा इधर ले जाते हैं, एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू माइनस का प्लस और माइनस, तो जी एक्स बाकी जो आएगा वो डिवाइड में आएगा एक्स माइनस टू से, और क्या है मतलब एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि जी एक्स। इसको इससे माइनस करते हैं, लिखेंगे क्या, एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर लिया थ्री एक्स, इसमें से गया तो माइनस टू को किससे डिवाइड करना है हमें, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस टू से हमें डिवाइड करना है, इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं, डिवाइड कर लेते हैं, हमें जी एक्स निकालना है, तो एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू को हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से, तो यहाँ क्या क्यू, तो यहाँ स्क्वायर क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल, और यह माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू माइनस वन सॉरी माइनस का एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स है खाली, माइनस माइनस प्लस टू एक्स प्लस माइनस कैंसल आउट, यहाँ आएगा खाली एक्स माइनस टू, तो यहाँ कितना आएगा वन, तो एक्स माइनस टू प्लस प्लस माइनस प्लस जीरो, तो हमारा जो आया डिवाइड करने के बाद, तो हम बोल सकते हैं कि जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस वन सॉरी प्लस वन आंसर।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। आप देख सकते हो इसे, और इसका अच्छे से देखो इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है।